सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और यह मेरे पास इंस्टाप्ले की तरफ से आने वाला एक पावरफुल ब्लूटूथ पोर्टेबल स्पीकर, जिन्हें आप अमेजोन से परचेज कर सकते हो। और यदि तो आप इस स्पीकर को खरीदने में इंटरेस्टेड हो तो लिंक्स इसके आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम करेंगे इस पोर्टेबल स्पीकर की अनबॉक्सिंग और साथ ही साथ बात करेंगे इसकी साउंड क्वालिटी और फीचर्स की। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग के साथ में। तो कुछ इस तरह के बॉक्स में आता है हमारा ये पार्टी ब्लूटूथ स्पीकर और सामने की तरफ इसकी वोल्टेज को मेंशन किया गया है, जो कि है 50 वॉट्स। बॉक्स में इस तरफ इसके कनेक्टिविटी ऑप्शंस, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस और एमआरपी को मेंशन किया गया है। तो एमआरपी तो है इसकी 699, पर आप इसे अमेजोन से 4300 रुपीज में परचेज कर सकते हो। और यदि तो आप इस स्पीकर को खरीदने में इंटरेस्टेड हो तो लिंक्स इसके आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। और बॉक्स में यहाँ इस तरफ इसके कुछ मेन हाईलाइट फीचर्स के बारे में बताया गया है, जैसे कि इसमें आपको 3000 mAh की बैटरी मिल जाएगी, जो कि 6 घंटे का कंटिन्यू म्यूजिक प्लेबैक प्रोवाइड करेगी। और साथ ही साथ बताया गया है कि इसमें आपको 5.25 इंचेस का ड्राइवर मिल जाएगा, जो कि एक काफी बढ़िया बेस प्रोवाइड करेगा। तो चलिए अब जल्दी से इसे अनबॉक्स करते हैं और चलते हैं इसके बॉक्स कंटेंट्स की तरफ। तो बॉक्स में सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगा इसका यूजर मैनुअल, जिसमें आपको स्पीकर को कनेक्ट करने की ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर आती है स्पीकर को चार्ज करने के लिए एक माइक्रो यूएसबी केबल, जिसे आप किसी भी चार्जिंग एडाप्टर या फिर पावर बैंक में लगाकर अपने स्पीकर को चार्ज कर सकते हो। और आखिरी में हमें देखने को मिल जाती है एक AUX केबल। तो फ्रेंड्स, हमें यही सब कुछ कंटेंट्स इसके बॉक्स में देखने को मिलते हैं। अब हम जल्दी से चलते हैं अपने स्पीकर की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा इंस्टाप्ले की तरफ से आने वाला एक पावरफुल ब्लूटूथ पोर्टेबल स्पीकर, जो कि आता है ब्लैक, ग्रे और सिल्वर के कॉम्बिनेशन में। डिजाइन हमें यहाँ पर काफी ज्यादा यूनिक और काफी अट्रैक्टिव देखने को मिल जाता है। और उसके अलावा, जैसे कि आप देख सकते हो, बिल्ड क्वालिटी भी हमें स्पीकर में काफी सॉलिड मिल जाती है। सामने की तरफ ग्रे कलर में आपको एक टेक्सचर फिनिश देखने को मिल जाती है, जिसे स्पीकर लगता है और भी ज्यादा अट्रैक्टिव। बीच में आपको मिल जाता है स्पीकर को इजीली कैरी करने के लिए एक हैंडल। स्पीकर में नीचे की तरफ आपको चार छोटी छोटी सी क्लिप्स मिल जाएंगी, जिससे स्पीकर इजीली स्लिप ना हो। और यहाँ पर इस तरफ आपको मिल जाएंगे स्पीकर को कंट्रोल करने के लिए कुछ बटन्स। तो चलिए अब हम पहले बात कर लेते हैं इस पर मिलने वाले कनेक्टिविटी ऑप्शंस की। तो ब्लूटूथ के अलावा आप इसे अपनी पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड और या फिर AUX केबल के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो। और उसके अलावा इसमें आपको FM का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो ये है इसका ऑन ऑफ स्विच, और इसे ऑन करने पर ये डायरेक्टली जाएगा ब्लूटूथ मोड पर। यहाँ पर आपको एक छोटा सा डिस्प्ले पैनल भी देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आप इसके इनपुट सिलेक्शन को देख सकते हो। और ये है रिपीट बटन, जो कि सिर्फ काम करेगा USB मोड पर। और उसके बाद अगला ऑप्शन आता है इनपुट सिलेक्शन का, जिसे प्रेस करने पर आप USB, AUX, ब्लूटूथ, मेमोरी कार्ड और या फिर FM में स्विच हो सकते हो। और इस अगले ब्लूटूथ वाले बटन को प्रेस करके रखने पर ये चला जाएगा ब्लूटूथ पेयरिंग मोड पर। और उसके अलावा आपको यहाँ पर मिल जाते हैं सॉन्ग को प्रीवियस, नेक्स्ट या फिर प्ले पॉज करने के लिए बटन। और नीचे आपको मिल जाती है ये तीन नॉब्स, जहाँ से आप स्पीकर के वॉल्यूम, ट्रिबल या बेस को एडजस्ट कर सकते हो। और उसके अलावा ग्रिल के पीछे आपको एक ट्विटर भी मिल जाएगा। यूनिट में पीछे की तरफ आपको काफी बढ़िया सी ग्लॉसी ब्लैक फिनिश देखने को मिल जाती है। और यहाँ इस तरफ इसका है 5.25 इंचेस का मेन ड्राइवर, और साथ ही में यहाँ पर आपको कलर चेंजिंग LED लाइट्स भी मिल जाएंगी। तो जैसे कि आपने देखा कि बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन तो हमें स्पीकर पर काफी जबरदस्त मिल जाता है। तो चलिए अब मैं अपने फोन को ब्लूटूथ से इसे कनेक्ट कर देता हूँ और देखते हैं कि स्पीकर में से हमें किस तरह की ऑडियो आउटपुट मिलती है। तो चलिए अब चलते हैं फोन की ब्लूटूथ सेटिंग्स में और पेयर कर लेते हैं अपने फोन को स्पीकर के साथ में। इंस्टाप्ले के नाम से हमारा ये स्पीकर यहाँ पर आ चुका है और मैंने अपने फोन को इसके साथ में पेयर कर लिया है। चलते हैं अब हम YouTube पर, और यहाँ से मैं आपको कुछ म्यूजिक प्ले करके दिखा देता हूँ, ताकि आपको इसकी साउंड क्वालिटी का अच्छे से अंदाजा हो सके। Oh,
तो फ्रेंड्स, म्यूज़िक प्लेबैक के बाद आपको कुछ हद तक अंदाज़ा लग गया होगा कि स्पीकर में से हमें किस तरह की ऑडियो आउटपुट मिलती है। और मेरे हिसाब से तो ऑडियो आउटपुट इसमें से हमें काफ़ी लाउड और क्लियर मिल जाती है। बीच में मैंने वॉल्यूम इसका ऑलमोस्ट फुल भी किया था, तब भी हमें इसमें से किसी भी तरह की डिस्टॉर्शन नहीं मिली थी। तो यार, स्पीकर का डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी के साथ साथ इसकी साउंड क्वालिटी भी सही में काफ़ी ज़बरदस्त है। और मेरे हिसाब से 4,300 रुपये की प्राइसिंग में ये काफ़ी अच्छी डील है। और यदि तो आप इस स्पीकर के रिलेटेड मुझसे कुछ और पूछना चाहते हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके या फिर मुझे ईमेल करके भी पूछ सकते हो। तो फ्रेंड्स, यही कुछ था आज के इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना। और अब हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।